बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कैश बुक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ थ्री कॉलम कैश बुक। इंटर द फॉलोइंग इन द थ्री कॉलम कैश बुक ऑफ एन ऑफिस सप्लाई शॉप, बैलेंस ऑफ द कैश बुक एट द एंड ऑफ द मंथ एंड शो द डिस्काउंट अकाउंट्स इन द जनरल लेजर 2012 जून। इसमें हम कैश बुक का फॉर्मेट ये होता है, इसमें हम कैश बुक को देख रहे हैं, ये एक लेजर की तरह की होता है, जैसे टी अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम जो राइट हाफ है दैट इज़ पेमेंट साइड, और जो लेफ्ट हाफ है दैट इज़ रिसीट साइड। और लेफ्ट साइड को हम रिसीट साइड भी कहते हैं और डेबिट साइड भी कहते हैं, और ऐसे ही राइट साइड को हम क्रेडिट साइड भी कहते हैं और पेमेंट साइड भी कहते हैं। इसीलिए क्या, जब हम कैश रिसीव करेंगे तो रिसीट साइड पे करेंगे। ऑब्वियसली जब कैश रिसीव या बैंक हमें चेक रिसीव होगा तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसीलिए हम इसको रिसीट साइड भी कहते हैं, डेबिट साइड भी कहते हैं, और क्रेडिट साइड को हम पेमेंट साइड भी कहते हैं, क्योंकि जब हम बैंक या कैश को क्रेडिट कर रहे होते हैं, जो उसमें हम कैश पे कर रहे होते हैं या चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं, इसीलिए ये राइट साइड क्रेडिट साइड है और लेफ्ट साइड डेबिट साइड है। इसमें थ्री कॉलम कौन कौन से हैं, फर्स्ट कॉलम है जी डिस्काउंट, और उसके बाद है कैश, और उसके बाद है बैंक। ऐसे ही हम राइट साइड पे भी देख रहे हैं डिस्काउंट, कैश और बैंक। और इसमें एक फोलियो कॉलम बनता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो एक्चुअली हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसमें हम नंबरिंग करते हैं डिफरेंट लेजर्स की, कहाँ से हमने इसको उठा के यहाँ पर लेके आए हैं कैश बुक में, उस एंट्री को उसका हम रेफरेंस यहाँ पे कोट करते हैं, वो उसको फोलियो कॉलम कहते हैं। यहाँ पे भी हमने दिखाया हुआ है, लेकिन अभी हम अगर इसको स्टडीज़ में देखें तो इसमें ज़रूरत नहीं होती है एज सच, लेकिन हमने इसको बना लिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 2011 जून 1, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कैश बैलेंस हमारे पास 420 पाउंड्स है एंड बैंक बैलेंस हमारे पास 4940 पाउंड्स है। अब इसमें चूंकि बैंक नॉर्मल बैलेंसेस हैं कैश और बैंक के, तो ये डेबिट बैलेंस होंगे जो प्रीवियस मंथ से हमें जून में रिसीव हुए हैं। मई के एंडिंग बैलेंस था और जून का ये ओपनिंग बैलेंस है। चूंकि प्रीवियस मंथ का जो एंडिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होता है। इसमें जैसे हम देख रहे हैं, हमने डेबिट साइड पर इनको रिकॉर्ड किया है, कैश का बैलेंस था 420 और बैंक का था 4940 पाउंड्स। बैलेंस बीडी लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस बीडी लिखते होते हैं, ब्रॉड डाउन, कि हम ये प्रीवियस मंथ से या प्रीवियस पीरियड से उठा के लेके आए जून 1, जो कि हमने डेट कॉलम में इसको इसकी डेट रिकॉर्ड कर दी जून 1। नेक्स्ट एंट्री है 2 जून, द फॉलोइंग पेड अस बाय चेक इन ईच केस डिडक्टिंग अ 5% कैश डिस्काउंट। हमने इन्होंने हमें पे किया चेक के थ्रू, इट मींस के ये हम बैंक में रिसीव करेंगे। अब क्योंकि बैंक कॉलम में ये रिकॉर्ड होगा क्योंकि चेक रिसीव हुए हैं, और ये हमारे पास कौन से डेटर्स हैं, एस ब्रगा 820 पाउंड्स, एल पाइन 320 पाउंड्स, जी हॉड 440 पाउंड्स और एम राई 1040 पाउंड्स। हम वन बाय वन इनको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये रिसीट साइड पे आएगा हमारे पास। अगर फर्स्ट वन हम अगर एस प्रगा की रिसीट को देखेंगे, हमने इससे रिसीव किया चेक, जो टोटल था हमारे पास 820 का, इसको हमने 820 का जब हमने 5% लिया, चूंकि हमने 5% उसको डिस्काउंट दिया था, 5% डिस्काउंट डिडक्ट करके, जो कि 5% डिस्काउंट बनता है 41 पाउंड्स। अब हम इसको 820 में से 41 पाउंड्स को लेस करेंगे, जो कि डिस्काउंट है, तो उसको जो नेट अमाउंट हमारे पास आएगी उसको हम बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। टोटल मीन 820 होना चाहिए, ना कि 820 हम बैंक में रिकॉर्ड करें और उसके बाद डिस्काउंट में हम 41 अलहदा से करें, नहीं, बल्कि हमने 820 टोटल करना है, जो नेट अमाउंट बैंक में रिकॉर्ड करेंगे और डिस्काउंट की अमाउंट मिला के दोनों को 820 होना चाहिए, जो कि अमाउंट उन्होंने हम जिस जो हम अमाउंट उससे रिसीव कर रहे हैं
नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि हमने कैसे डिस्काउंट को कैलकुलेट किया है। इसमें देखें जैसे हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट परसेंटेज, कैसे करते हैं। 5% था, 820 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 41। अब ये 41 5% 820 का 5% 41 आ गया। 820 में से हम 41 को लेस करेंगे, हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी 779। इसको हम बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं इसमें। अब एल्पाइन की इसी तरह ही हम करेंगे, इसकी 320 थी टोटल, हमने इससे पेमेंट जो रिसीव की थी, तो हम क्या करेंगे, चूँकि बैंक के थ्रू में चेक रिसीव हुआ है तो बैंक में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और इसका 5% जो डिस्काउंट है वो लेस करके हम इसमें से कैलकुलेट करके डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे और नेट अमाउंट जो है बैंक में लिखेंगे, जो कि 320 नहीं बल्कि 304 होगी, 320 लेस 16 पाउंड्स डिस्काउंट, और हम इसको 304 को बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया है। 320 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 16, और 320 में से हम 16 जो कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट की अमाउंट है, उसको लेस करेंगे और 304 नेट अमाउंट हो जाएगी, उसको हम बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और 16 को डिस्काउंट के कॉलम में, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे जी होल्ड, इसकी हमारे पास कितनी है जी अमाउंट, 440 थी, उसको 440 का हमने 5% लिया तो 22 आ गया, उसको डिस्काउंट कॉलम में करेंगे और नेट अमाउंट मीन्स के 22 पाउंड्स को 440 लेस 22 इज इक्वल टू 418। अब 418 को हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। इसका भी हम सेम हमारे पास है प्रोसीजर इसको कैलकुलेट करने का, 440 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100, इसको मल्टीप्लाई 5% भी कर सकते हैं, जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे इसको 440 मल्टीप्लाई 5%, अब अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको 22 डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, और उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, 440 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 22। अब 440 लेस 22 इज इक्वल टू 418, ये नेट अमाउंट हम बैंक में रिकॉर्ड करेंगे और 22 डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे। ये जैसे अब हमारे सामने नेक्स्ट है एम राय, इसकी टोटल अमाउंट कितनी थी, 1040, तो 1040 का जब हम 5% लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52 पाउंड्स। अब 52 पाउंड्स को हम लेस करेंगे 1040 में से तो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी 988, जो कि हमने बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड की हुई है। इसमें भी हम देख सकते हैं 1040 का हमने परसेंटेज लिया 1040 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 52, इसको हम डिस्काउंट में लिखेंगे कि डिस्काउंट अमाउंट है, तो इसमें से हम लेस कर लेंगे 1040 में से 52 डिस्काउंट अमाउंट लेस करेंगे, हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी 988, इसको हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और हमारे पास 3 जून की एंट्री है, कैश सेल्स पे डायरेक्ट इनटू द बैंक। अब कैश सेल्स किया लेकिन इसको डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, अब हम इसको बैंक कंसीडर करेंगे ना कि कैश। अगर उसी ही एंट्री में, सेम डे की एंट्री में बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए तो उसको हम बैंक कंसीडर करेंगे ना कि कैश। अब हम इसको करेंगे, अब कैश सेल्स किया है तो हमारे पास बैंक डेबिट हो जाएगा और सेल्स चूँकि क्रेडिट होगी तो बैंक हम बैंक्स में चेक रिसीव हुआ है हमारे पास तो हम इसको बैंक में रिकॉर्ड करेंगे रिसीट साइड पे। जैसे हम देख रहे हैं इसमें बैंक के कॉलम में हमने रिसीट साइड पे इसको रिकॉर्ड किया क्योंकि हमारे पास बैंक इंक्रीज़ हुआ, बैंक डेबिट होगा रिसीट साइड पे, तो इसको क्यों इंक्रीज़ हुआ है, सेल्स की है, सेल्स क्रेडिट हो रही थी, सेल्स को हमने यहाँ लिखा है। कैश बुक में हम वही इंट्रीज़ करते हैं जिसमें हम एक्चुअली कैश रिसीव कर रहे होते हैं या एक्चुअली में चेक रिसीव कर रहे होते हैं, ना कि हम जो प्रीवियसली हमने की होती हैं मींस प्रीवियस पीरियड में की हैं या हम नेक्स्ट की कहीं डेट्स में वो रिसीव करेंगे, नहीं बल्कि जो एक्चुअली हमने अभी रिसीव किया है उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि हमने अगर कोई हमसे प्रॉमिस करें कि हम नेक्स्ट मंथ आपको पेमेंट दे देंगे तो आप कैश बुक में एक्चुअली जब आपने रिसीव कर ली देन आपने रिकॉर्ड करनी है,
या चेक आपने एक्चुअली रिसीव कर लिया, देन आपने बैंक में रिकॉर्ड करना है, या आपने एक्चुअल में पेमेंट की, या एक्चुअल में कैश पेमेंट की, या एक्चुअल में पेमेंट बैंक से पेमेंट की, देन आपने चेक पे कर दिया, चेक दे दिया, विड्रॉ कर दिया, और आपने उसको अपने क्रेडिटर्स को या आपने एक्सपेंस किए हैं बैंक से कोई, आपने एक्चुअल में पेमेंट की है, आपने चेक किसी को इशू कर दिया, देन आप रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज़ ये नहीं होगा, आपने प्रॉमिस किया पेमेंट करने की तो आपने वो रिकॉर्ड कर लिया क्रेडिट साइड पे पेमेंट में, ऐसे नहीं होता। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पेड रेंट बाय कैश 340 pounds। अब 5 जून की एंट्री है तो रेंट पे किया कैश से, तो कैश डिक्रीज होगा, क्रेडिट होगा, तो हम इसको पेमेंट साइड पे लिखेंगे। ये देखिए हम पेमेंट साइड पे लिखेंगे क्योंकि हमने चेक रेंट पे किया है, रेंट एक्सपेंस होता है, तो हम इसको पर्टिकुलर कॉलम में रेंट एक्सपेंस लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 6 जून की, वी पेड द फॉलोइंग अकाउंट बाय चेक, हमने पेमेंट किया है इनको, इन ईच केस डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट, हमने कैश डिस्काउंट उनसे लिया है। अब हम पेमेंट किया तो हमने कैश रिसीव किया है, तो किन से रिसीव किया, जिनको पेमेंट किया, एम पीटर को पेमेंट किया 360 की, जी ग्राम को किया 960 की, और एफ एल को 400 की। अब हम देखते हैं वन बाय वन इनको, क्योंकि अब हमारा बैंक डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है तो हम क्रेडिट करेंगे बैंक को। ये देखें अब हम कैलकुलेट भी कर लेंगे इसमें कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम 360 मल्टीप्लाई 2.5, चूँकि 2.5 है, 2.5 जिसको बोलते हैं, डिवाइडेड बाई 100, ये 9 आ जाएगा। आप इसको 2.5% जब आप कैलकुलेटर से प्रेस करेंगे 360 मल्टीप्लाई 2.5, फिर प्रेस करें परसेंट, आपके पास डायरेक्ट 9 आ जाएगा, जो कि डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी। उसको आप 360 में से लेस करें 351। ये हम जो 351 है इसको हम बैंक कॉलम में लिखेंगे पेमेंट साइड पे, और 9 को हम डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे। ये देखिए हमने जो कि पेमेंट की है तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो बैंक क्रेडिट करते हैं तो पेमेंट साइड पे लिखते हैं बैंक क्रेडिट, जो क्रेडिट साइड हमारी राइट साइड है उसमें हमने 351 जो कि बैंक कॉलम में लिखा है, चूँकि हमने डिस्काउंट भी रिसीव किया है वो 9 है, तो 2.5% डिस्काउंट किया है तो वो 9 है, तो नेट अमाउंट हम लिखेंगे बैंक में, ना कि टोटल अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, इसमें हमने पेमेंट की थी 960 की, लेकिन हमने 2.5% जो कि हमने डिस्काउंट भी उसमें रिसीव किया है, तो हमारे पास 24 pounds जो हमारे पास आ जाएंगे इसकी डिस्काउंट की अमाउंट, और इसको हम लेस करेंगे जब 960 में से 24 को, तो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी 936। अब 936 को हम लिखेंगे बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे, और 24 को डिस्काउंट कॉलम में। ये देखें जैसे आप क्रेडिट साइड पे देख रहे हैं, पेमेंट साइड पे हमने चूँकि पेमेंट की है जी ग्राहम को 960 की, तो हमारे पास आ गया है 24, उसका डिस्काउंट आ गया 2.5, और नेट अमाउंट 936 जो कि बैंक में रिकॉर्ड की है, जो कि हमने नेट अमाउंट उनको पेमेंट की है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। अब जैसे हमने 400 पेमेंट की थी उसको करनी थी, लेकिन हमने 2.5% उसको डिस्काउंट लिया, तो 10 हमारा डिस्काउंट हो गया, तो हम नेट अमाउंट उसको 390 की पेमेंट की, 390 को हम बैंक कॉलम में लिखेंगे, 10 को डिस्काउंट कॉलम में, इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने पेमेंट की है, क्रेडिट हो जाएगा बैंक 390 से, और 10 को हम डिस्काउंट कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास 8 जून की, विड्रू कैश फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज 400। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये जब विड्रॉ कैश करवाते हैं बैंक से, अब चूँकि कॉन्ट्रा किस चीज़ किस एंट्री को कहते हैं जिसमें दोनों इन्वॉल्व हों, कैश और बैंक, कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि डुअल इम्पैक्ट, तो कॉन्ट्रा डुअल इम्पैक्ट कैसे होगा, अब कैश भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, बैंक भी इन्वॉल्व हो रहा है, और हम कैश बुक में दोनों ही चीज़ें आती हैं, क्योंकि जब हम 3 column या 2 column कैश बुक बनाते हैं तो उसमें बैंक और कैश दोनों ही आते हैं, और कॉन्ट्रा एंट्री उसी में ही आएगी जब हम मिनिमम 2 column बना रहे होंगे, तो 1 column में तो सिर्फ कैश आता होता है, 2 column में कैश और बैंक,
थ्री कॉलम में डिस्काउंट कैश और बैंक आता होता है। अब चूंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं कैश और बैंक, अब कैश हमने विड्रॉ करवाया है तो कैश इंक्रीज हुआ, कैश डेबिट होगा। अब चूंकि बैंक से विड्रॉ करवाया है, बैंक डिक्रीज हुआ है तो बैंक क्रेडिट होगा। अब दोनों साइड्स पे इम्पैक्ट होगा, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, अब चूंकि कैश हमारा इंक्रीज हुआ है, कैश डेबिट होगा। इंक्रीज होके कैश डेबिट होता है, मीन रिसीव किया है हमने कैश, जो विड्रॉ करवाया है हमने बैंक से। तो अब जो पर्टिकुलर में हम बैंक लिख देंगे कि कैश कहाँ से आया, बैंक से हमने किया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फोलियो कॉलम में हमने सी के ऊपर क्रॉस लगाया हुआ, ये सी लिख के हम उसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, इसका मतलब होता है ये कॉन्ट्रा एंट्री है, डुअल इम्पैक्ट है इसका, ये दोनों तरफ ही रिकॉर्ड की जाएगी। अब नेक्स्ट देखें आप, ये देखें, ये हम दूसरी साइड पे भी करेंगे कि 400 बैंक में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि बैंक से पेमेंट हुई है कैश की, तो कैश बिजनेस के लिए विड्रॉ करवाया तो बैंक डिक्रीज हुआ है, बैंक डिक्रीज होके क्रेडिट होता है। तो इसमें भी हम फोलियो कॉलम में ये देखें कॉन्ट्रा लिखा हुआ, दोनों साइड पे हम कॉन्ट्रा लिखेंगे। अब इसमें पर्टिकुलर में कैश लिखा है कि कैश क्यों लिखा है, कि बैंक डिक्रीज हुआ है कैश की वजह से, कि कैश विड्रॉ करवाया है, और इसकी डेट दोनों की 8/8 है, एक ही डेट होगी, क्योंकि एक डेट एक में ये दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्री है, एक ही एंट्री है, लेकिन ये रिकॉर्ड ये पेमेंट और रिसीट साइड दोनों पे की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कैश सेल्स 1260 पाउंड्स। इसको हम देखेंगे कैसे करेंगे, कैश रिसीव हुआ है, कैश होगा डेबिट, कैश डेबिट होगा हमारे पास, इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 1260। और क्यों कैश हमें रिसीव हुआ है, डेबिट क्यों हुआ है, सेल्स की है हमने, तो सेल्स को लिख देंगे पर्टिकुलर कॉलम में, और 10 इसकी डेट है। इसके बाद है 12 जून, बी एच पेड अस देयर अकाउंट ऑफ 280 पाउंड्स बाय चेक लेस 4 पाउंड कैश डिस्काउंट। अब इसमें हमें पे किया है बी एच ने अपना अकाउंट उसने, और 280 उसने पाउंड चेक से पेमेंट की है, और 4 पाउंड उसने कैश डिस्काउंट लेस कर लिया उसमें से। तो इसमें आप देखें कि चेक जो है 4 जो पाउंड्स है ना, ये 4% नहीं है बल्कि 4 पाउंड्स है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं दी गई हमें, हमने डायरेक्टली इसमें से 280 में से 4 पाउंड्स को लेस कर देंगे और नेट अमाउंट लिख लेंगे, बल्कि परसेंटेज नहीं निकालेंगे पहले, जैसे हम देखते हैं आप इस कैसे रिकॉर्ड किया है। अब जैसे ये देखें, हमें पेमेंट किया है, हमें रिसीव हुई है पेमेंट, तो 280 थी, 4 उसमें से डिडक्ट किया 4 पाउंड्स, तो 4 पाउंड्स को डिस्काउंट कॉलम में लिख देंगे, और जो नेट अमाउंट बनेगी 280 लेस 4 276, इसको हम बैंक कॉलम में लिख देंगे नेट अमाउंट को। नेक्स्ट हमारे पास है पेड वेजेस बाय कैश 540 पाउंड्स। इसमें हमने क्या किया है जी, वेजेस पे किए हैं कैश से, तो कैश डिक्रीज होगा क्योंकि वेजेस पे किए हैं, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे कैश कॉलम में। तो हमने 540 को रिकॉर्ड किया है कैश कॉलम में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हमने पेमेंट किया, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। तो पर्टिकुलर में वेजेस क्यों लिखा है, हमने वेजेस पे किए हैं इसलिए, 14 इसकी डेट थी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 16 जून को, वी पेड द फॉलोइंग अकाउंट्स बाय चेक। अब हमने पेमेंट किया है किन किन को जी, 8/10 लेस कैश डिस्काउंट 15। अब इसको 310 की पेमेंट किया, उसमें से 15 हम डिस्काउंट कर लेंगे, डिडक्ट करेंगे, बल्कि 15 ये परसेंटेज नहीं दी गई इसमें, डायरेक्टली डिस्काउंट ही दिया गया। अब फिर एफ ड्योरी है, उसको 412 पाउंड्स की पेमेंट किया लेस कैश डिस्काउंट 12। अब इसमें दोनों में परसेंटेज नहीं गई, डायरेक्टली इसमें पाउंड्स दिए गए हैं कि कितने की अमाउंट डायरेक्ट दी गई है, फर्स्ट में 15 पाउंड्स की दी गई है, 12 पाउंड्स की दी गई है नेक्स्ट में एफ ड्योरी वाले में। अब हम इसमें वन बाय वन देखेंगे आर्ट ऑर्ड और एफ ड्योरी के अकाउंट्स। ये हमारा बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि हमने पेमेंट्स की हैं इसमें। ये देखें हमारे पास टी टॉट का हम कर देंगे, चूंकि हमने कितनी इसको पेमेंट 310 थी इसकी अमाउंट, तो उसमें हमने 15 लेस किया डिस्काउंट वाला, तो 295 इसमें नेट अमाउंट आ गई, वो हमने
चेक से पेमेंट कर दी और 15 को हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, वो हम डिस्काउंट कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट में हमने उसी डेट में ही एफ ड्यूरी को पेमेंट की है साथ ही, तो उसमें हमने टोटल 412 थे उसके, उसमें हमने 12 डिस्काउंट ले लिया, तो उसको डिस्काउंट कॉलम में 12 अमाउंट को डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और नेट अमाउंट 412 लेस 12 इज इक्वल टू 400, उसको हम बैंक कॉलम में, चूँकि हमने 400 का नेट अमाउंट का चेक उसको दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉट फिक्स्चर्स बाय चेक 4320। अब हमने 20 जून को हमने फिक्स्चर बॉट किए हैं 4320 पाउंड्स के, इसके चूँकि इसमें चेक से पेमेंट की है, बैंक डिक्रीज होगा तो पेमेंट साइड पे आएगा क्रेडिट साइड पे, तो हमने इससे फिक्स्चर परचेज किए हैं। हम देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको। ये देखिए हमने 4320 रिकॉर्ड किया पेमेंट साइड पे बैंक के कॉलम में, चूँकि चेक से पेमेंट की है, और फिक्स्चर्स हमारे पास पर्टिकुलर में इसलिए आए क्योंकि हमने फिक्स्चर परचेज किए हैं और 20 इसकी डेट थी ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास है 24 जून को हमने बॉट लारी पेइंग बाय चेक 14,300 पाउंड्स, इसमें हमने पेमेंट किया है लॉरी की चेक से, तो बैंक क्रेडिट होगा 14,300 से। ये देखिए हमारे पास क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बैंक डिक्रीज़ हो रहा है, बैंक डिक्रीज़ होके क्रेडिट होता है, हमने पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया है हमने इसको, तो लॉरी हमने लिखा पर्टिकुलर कॉलम में चूँकि हमने लॉरी परचेज किया है चेक से पेमेंट करके। और नेक्स्ट है 29 जून, रिसीव्ड 324 पाउंड्स चेक फ्रॉम ए लाइन, हमने चेक रिसीव किया है 324 का फ्रॉम ए लाइन से। अब हमें जब रिसीव हुआ चेक रिसीट साइड पे करेंगे, मींस डेबिट करेंगे बैंक को चूँकि चेक रिसीव हुआ है। ये देखें 324 का चेक रिसीव हुआ है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, तो हम टोटल की टोटल अमाउंट बैंक कॉलम में लिख देंगे। ए लाइन हमने इसलिए लिखा पर्टिकुलर में चूँकि हमने चेक ए लाइन से रिसीव किया है। नेक्स्ट हमारे पास 30 जून को कैश सेल्स 980, हमने कैश रिसीव किया तो रिसीट साइड पे करेंगे, डेबिट कर देंगे कैश को। ये देखिए हमारे पास कैश कॉलम में डेबिट साइड पे रिसीट साइड पे हम देख रहे हैं 980 रिकॉर्ड किया है कैश कॉलम में, और सेल्स हमने पर्टिकुलर में इसलिए किया हमने क्योंकि कैश इंक्रीज़ हुआ है सेल्स की वजह से, सेल्स की हमने, और 30th इसकी डेट है ट्रांजैक्शन की। और नेक्स्ट है हमने बॉट स्टेशनरी पेइंग बाय कैश 56 पाउंड्स, इसकी भी 30th जून है, तो हमने स्टेशनरी परचेज़ की है 56 पाउंड्स कैश पे करके, तो कैश क्रेडिट होगा क्योंकि हमने पेमेंट की है, पेमेंट साइड पे आएगा राइट साइड पे, तो हमने 56 कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया। और स्टेशनरी हमने इसलिए की क्योंकि लिखी क्योंकि स्टेशनरी हमने परचेज़ किया और 30th इसकी ट्रांजैक्शन डेट थी। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन फिनिश हो गई। अब हम इनको बैलेंस करेंगे इस कैश बुक को। अब देखिए हमारे पास डिस्काउंट का हम दोनों साइड पे हमने टोटल किया है, एक साइड पे हमारे पास आ गए 135 पाउंड्स हमारे पास आ गया, और एक साइड पे राइट साइड पे हमारे पास आ गया 70। इसको बाल बच्चे इसको भी बैलेंस करना शुरू कर देते हैं कि हम डिस्काउंट को भी शायद बैलेंस करना है, एक जैसी अमाउंट बनानी है, नहीं बल्कि डिस्काउंट को हमने सिर्फ ओनली टोटल करना है हमने इसका, कि कोई इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। बेशक कितना मर्ज़ी डिफरेंस हो इसमें, अगर बराबर आ रहा है तो बराबर आने दें, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे जैसे आपको नज़र आ रहा है, एक तरफ 135 है और एक तरफ 70 है। और नेक्स्ट में हम पहले देखते हैं कि किसकी हम करेंगे, इसमें कैश और बैंक दोनों को हम बैलेंस करेंगे, पहले इनके टोटल करेंगे फिर इनको बैलेंस करेंगे वन बाय वन। पहले कैश को देखते हैं, कैश में हमने जब देखा तो हमने डेबिट और क्रेडिट को प्लस किया पेमेंट साइड और रिसीट साइड को, लेकिन रिसीट साइड में इसका चूँकि हमारे पास ज़्यादा आ रहा है टोटल, इसलिए हमने पहले रिसीट साइड पर लिख लिया 3060, और इसमें टोटल कैश में कम आ रहा है, इसमें कुछ समथिंग 1000 से भी कम आ रहा है, तो हमने क्या किया सिर्फ रिसीट साइड का लिखा,
और यही बैलेंस हम पेमेंट साइड पे भी लिख लेंगे। ये ले, जैसे आपको नज़र आ रहा है, हमने पेमेंट साइड पे भी वही बैलेंस लिख लिया जो हमने रिसीट साइड पे लिख दिया था, मतलब डेबिट साइड पे जो लिखा था वही क्रेडिट साइड पे लिख लिया। तो हम इसको अब क्या करेंगे, जितनी अमाउंट क्रेडिट साइड पे कम है उतनी अमाउंट हम ले लेंगे एज अ बैलेंस। ये लें, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, एट द एंड ऑफ द डेट, एंड मंथ एंड पे हम लेंगे डेट, चूँकि 30th है, जून की 30th होती है, तो 30th को लेना है बैलेंस। बैलेंस सीडी जिसको कैरी डाउन कहते हैं, इसको क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं। क्लोजिंग बैलेंस को कैर बैलेंस सीडी के तौर पे लिखते हैं, चूँकि हम इसको क्लोज कर रहे हैं मंथ एंड पे। तो 21,124 बैलेंस इसका कम था, मीन के इतनी अमाउंट इसमें क्रेडिट साइड पे कम थी, जो कि हमने डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए इतना हमने बैलेंस ले लिया। अब चूंकि दोनों साइड्स इक्वल होगी डेबिट और क्रेडिट, तो इसके बाद इसलिए हमारे पास बैलेंस आ गया कैश का कितना, 2,124। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट मंथ में यही बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होगा। जैसे आप देखेंगे, ये देखें हमारे पास नेक्स्ट में ये जून है, जुलाई 1 में यही बैलेंस बैलेंस बीडी के तौर पर आएगा, जो कि बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसको ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन भी कहते हैं। तो हमारे पास 2,124 यही बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट का। अब हम करेंगे बैंक का बैलेंस, बैंक को बैलेंस करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें से डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट, रिसीट साइड ज़्यादा है या पेमेंट साइड। अब आप देख रहे हैं हमने क्रेडिट साइड का लिखा है बैलेंस, इसलिए क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, इसलिए हमने पहले इसको लिखा। अब इसी बैलेंस को, इसी टोटल को हम बैंक कॉलम में रिसीट साइड पे भी लिखेंगे डेबिट साइड पे। ये जैसे हमने डेबिट साइड पे भी इसी बैंक बैलेंस को, बैंक टोटल को जो कि क्रेडिट साइड पे आया था वो इंक्रीजिंग इंक्रीज कर रहा था, उसी को ही हमने डेबिट साइड पे लिख लिया। अब हम देखते हैं कि कितना कम है डेबिट साइड पे, उसको हम बैलेंस ले लेंगे एज अ बैलेंस। ये देखें, 30th को हमने ले लिया, 30th जून बैलेंस सीडी, जो कि क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है, बैलेंस सीडी 12,623। अब ये नेक्स्ट मंथ में ये ओपनिंग बैलेंस होगा, चूंकि ये डेबिट साइड पे लिखा बैलेंस, अब ये क्रेडिट बैलेंस होता है, अब इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जैसे पहले आपने देखा कि जो हमने कैश का बैलेंस था वो चूंकि क्रेडिट साइड पे लिया था, लेकिन जो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और जो डेबिट साइड पे लिखा हुआ बैलेंस वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जो बैलेंस है क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ कैश का बैलेंस, वो डेबिट बैलेंस है, और ये फेवरेबल बैलेंस है, मीन के चूंकि कैश एसेट है। अब कैश का बैलेंस आ रहा है डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड पे हमने लिख दिया 2,124, लेकिन बैंक का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट। अब ये ओवरड्राफ्ट होगा बैंक, मीन इतना कंपनी ने या जिस ये जॉब कर रहा है जो शॉपकीपर है, इसने इतना बैलेंस ओवरड्रा करवाया हुआ है बैंक से, इतना ज़्यादा अमाउंट ली हुई है ये इसकी, अब ये लाइबिलिटी बन गई है, ना कि ये इसका एसेट रहा है। अब इसने ज़्यादा अमाउंट ओवरड्रा करवाई है, मीन्स इसके पास अगर बैंक में 50,000 था तो इसने कितना, 62,623 किया, तो 50,000 उसमें से लेस करेंगे 12,623 बन जाएगा। तो इसने इतनी अमाउंट ज़्यादा विड्रॉ करवाई हुई है जो कि इसकी लाइबिलिटी बन गई है, तो क्रेडिट बैलेंस में शो होगा। अब ये एसेट नहीं बल्कि इसकी लाइबिलिटी है, जबकि कैश एसेट है, क्योंकि कैश डेबिट बैलेंस है कैश का। जैसे ये देखें आप, दोनों बैलेंस आपको नज़र आ रहे हैं नीचे, इसमें कैश का बैलेंस डेबिट है 2,124, और बैंक का बैलेंस है क्रेडिट 12,623।